पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है, मगर अब साल का दूसरा सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। भारत में ग्रहण की काफी ज्यादा मान्यता होती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। इस साल ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, मगर इसका असर कुछ राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण ठीक नवरात्रि से एक दिन पहले लगेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर ले। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। अगर बात करें कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर होती है, जिसके कारण व्यक्ति के बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से उस काम में असफलता मिलती है। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई और सोना भी अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, तो आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अमेरिका, समोआ, बरूनी, कंबोडिया, चीन, तिमोर, फिजी, जापान, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, सोलोमन, सिंगापुर, पपुआ, न्यू गिनी, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण पैसिफिक सागर आदि में देखा जा सकता है। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने पर ही सूतक काल मान्य होता है। आशिक या उपछाया होने पर सूतक नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होता।